भारतीय जनता पार्टी की ठोस जमीन तैयार है और हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे, शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, चौथी बार सरकार बनाएंगे। आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं कि नहीं, हम आपको कह रहे हैं हाँ बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 50 से ऊपर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत कर सरकार बनाएगी। केसीआर अपने बलबूते पर तेलंगाना में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं और एमआईएम पार्टी उनके साथ खड़ी है। मुझे लगता है हम सीटों में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में निश्चित रूप से जी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के नेता कोई मेरी मां को गाले दे, कोई मेरी जाति को लेकर के सवाल पूछे, याद रख इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। ओवैसी से डरकर तेलंगाना हैदराबाद विमोचन दिन मनाना बंद कर दिया है। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। कांग्रेस के नेता तो अब बजरंगियों से भी डरने लग गए। कांग्रेस के नामदार के मन में भारत माँ का जयकारा सुनने से भी परेशानी क्यों हो रही है? कमलनाथ का बयान तो आ गया कांग्रेस के नेता का, उन्हें बजरंग बली नहीं चाहिए, उन्हें अति चाहिए, हमें बजरंग बली चाहिए। कह सकता हूं ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कांग्रेस के नेताओं को एससी एसटी वोट से मतलब नहीं, उन्होंने कहा हमें तो मुसलमानों का वोट चाहिए। टीडीपी हो, टीआरएस हो, ओबीसी की पार्टी हो, ये लोग भी केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके केवल अपने वंशवाद को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ठोस जमीन तैयार है और हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे, शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, चौथी बार सरकार बनाएंगे। आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं कि नहीं, हम आपको कह रहे हैं हाँ बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 50 से ऊपर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत कर सरकार बनाएगी। केसीआर अपने बलबूते पर तेलंगाना में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं और एमआईएम पार्टी उनके साथ खड़ी है। मुझे लगता है हम सीटों में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही है।